Hi students, I am Dr Anurag Agarwal sir, and this is OSN Academy of English Literature and Home Science. So, as like you know, the examination is around the corner in December, and your ma'am, Neha ma'am, is all working hard for all of you with the crash course, with the classes, with the test series, with the study material, and all over India, students are studying in the pure Hindi batch, bilingual batch. एज वेल एज द प्योर इंग्लिश बैच इतनी मेहनत और इतनी लगन और इतना कंटेंट रिच और इतना ज्ञान शायद ही आपको किसी चैनल पे शायद ही कोई आपको प्रोफेसर वो कमाल दिखा पाएगा जो ओस एन अकेडमी पिछले पच्चीस सालों में हमारे और हमारे टीचर्स के सहयोग से कर रहा है और ये कहने की बात नहीं है अपने आप शब्द और अपने आप जो चयन है वो बोलता है अभी हाल में ही कल ही हमारे पास बच्चे का मैसेज आया कि सर ओनली बिकॉज ऑफ नेहा मैम क्लासेज एंड योर सपोर्ट ऑफ वो एंड अकेडमी आई हैव क्वालिफाइड एम पी सेट एग्जामिनेशन और आपको जान के खुशी होगी हैरानी भी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल सत्रह बच्चों ने एम पी सेट क्वालिफाई किया है होम साइंस से और उस सत्रह बच्चों में आपके ओ एस एन की स्टूडेंट भी शामिल है जिसका कि शाम तक शायद आपको एक लाइव इंटरव्यू मैम के साथ देखने को मिलेगा और वो इतनी ज्यादा खुश हैं कि शायद अगर वो ओएसएन उनको प्राप्त नहीं होता तो आज वो लेक्चरशिप के रेस में पीछे हो जाती हम और डॉक्टर नेहा मैम सभी यही चाहते हैं कि आप भी उसी लिस्ट में शामिल हों चाहे वो एमपी का हो चाहे यूपी का हो चाहे राजस्थान का हो चाहे पूरे हमारे देश की किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिस्ट में हो आपका नाम हो जिससे हम और मैम दोनों गर्वान्वित महसूस करें उसके लिए सिर्फ आपको अच्छा पढ़ना है हमारी बात को फॉलो करना है मैम की दी गई क्लासेस को अच्छे से पढ़ना है और अपना नाम को आगे ले जाना है तो आज मैम एक स्मॉल क्रैश कोर्स आपके लिए ला रही हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा अब एक काम जो आपको करना है वो ये है कि अगर आपको लगे कि ये से चैनल होम साइंस के लिए बहुत अच्छा है अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे आज के लिंक को जरूर शेयर करिएगा सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा जरूर से लाइक दबाइएगा और कोशिश करिएगा कि ऐप को डाउनलोड करके ओ एस एन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके ये देखिए कि द वर्ल्ड ऑफ होम साइंस इज इन योर मुठ्ठी इज इन योर ग्रिप सो जस्ट योर नेक्स्ट थिंग इज टू डाउनलोड एंड टू स्टडी एंड सी वॉट यू कैन डू नाउ सो माई डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आपके स्क्रीन पे उस बच्चे का ग्रीन कलर से रोल नंबर है और आज ही उनका एक लाइव इंटरव्यू है जो मैम लेंगी जो उस बच्चे ने खुद कहा है कि सर मैम हम लाइव आना चाहते हैं मैम के साथ क्योंकि ये जो क्रेडिट है वो पूरा नेहा मैम को और पूरा ओएस एन एकेडमी को देना चाहती हैं और उनको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सत्रह बच्चों में उनका नाम है तो उस वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा और देखिए हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे जो नेट का एग्जाम आने वाला है ऐसे ही एरोज बना करके हमें भेजें कि सर आई हैव क्वालिफाइड देखिए ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है और उस ज्ञान को लेने में कौन आपको दे रहा है किस इंटेंशन से दे रहा है क्या क्वालिटी है ये इंपॉर्टेंट है तो ओएस एकेडमी ऑफ होम साइंस इज अ क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूट अंडर डॉक्टर नेहा मैम डॉक्टर स्मिता मैम एंड यस नाव यू हैव टू बी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन राइट तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना क्लास शुरू करिए थैंक यू मैम प्लीज वेलकम थैंक यू सो मच सर एंड आज आप वाकई में सर ने तो बता ही दिया कि मेरी मुस्कान बड़ी सी मुस्कान के के पीछे की जो वजह वो यही है कि हमारे एक बच्चे ने एम पी सेट को क्वालिफाई किया और देखो अनरिजर्व्ड में सत्रह बच्चे सिर्फ आए हैं और उन सत्रह बच्चों में इस बच्ची का नाम है और देखो साथ में उसने क्या लिखा हुआ है थैंक यू मैम सर एंड द टीम ऑफ ओ एस एन जिन्होंने सपोर्ट से जिनके सपोर्ट के साथ मेरा एम पी सेट क्वालिफाई हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स काजल सिंह हम काजल से आज कनेक्ट भी करने वाले हैं तो आपको हमारा ये पूरा उसका जो गया है इसका जो जर्नी गई है पढ़ाई से लेकर उसका चूजिंग ओएसएन से लेकर क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में हम आज डिटेल में आज या कल आपको हमारा क्लास आ जाएगा ठीक है तो बच्चों हमारे साथ जो जुड़ गए हैं वंदना वीकोक यूनिवर्स वंदना कनौजे अंजलि राय एंड बापी आ गई है गुड आफ्टरनून बापी एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज फिर से एक क्रैश कोर्स के वन लाइनर का इम्तिहान है आपका क्योंकि अब आप उस मोड़ पर आ गए हो कि जहाँ पर आपको एकदम सही आंसर्स देने हैं और फटाफट देने हैं ठीक है ओके सो वंदना थैंक यू किस बात के लिए मैम मेरा भी एमपीसेट क्वालिफाई हुआ है फॉर नेहा मैम एंड स्मिता मैम ओ माय गॉड सो वी हैव वंदना आल्सो तो वंदना आपने मुझे कनेक्ट नहीं किया बेटा फटाफट आप मुझे कनेक्ट करके और हम आपका आपसे बात करना चाहेंगे uh, आपसे uh, एक यू uh, नो you know? वार्तालाप करना चाहेंगे वन टू वन कनेक्ट करके और पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है तो यहाँ दो बच्चों ने एमपी सेट क्वालिफाई कर लिया है सोचो कितने कम मुट्ठी भर बच्चों का सिलेक्शन होना था और उसमें भी ओएसएन एकेडमी के दो बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब क्या है कि ओएसएन ऐसा वैसा ही नहीं है हम जब पढ़ाते हैं तो हम सही पढ़ाते हैं क्वालिटी पढ़ाते हैं और एक एक बात और मैं बता दूं हर किसी बच्चे का एडमिशन भी हम नहीं लेते हैं हम सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन लेते हैं उन बच्चों का एडमिशन लेते हैं जो कि आगे चल के हमारा क्वालिफाई कर सके सर वंदना कन्हौजे हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है उसने भी एम पी सेट क्वालिफाई किया हुआ है तो वंदना को भी, भी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल वंदना से भी हम कनेक्ट करेंगे एंड चांदनी गुड आफ्टरनून चलो फटाफट से सर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन लगा हुआ है फर्स्ट फटाफट से हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और बाकी के जितने भी मेरे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस में मेरे पेड बैचेस में ये जो यूट्यूब चल रहा है बेटा ये अलग है जो मेरे एक्चुअल क्लासेस हैं दो आर देड बैचेज और यहाँ पर वंदना है और काजल जिसने क्वालिफाई किया है चांदनी है बापी है ये सब मेरे पेड़ बैचेस के बच्चे हैं और चलो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से फट से इसका आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास जल्दी से बताओ सीड फाइबर्स का एग्जाम्पल सीड फाइबर्स का एग्जाम्पल क्या होता है बीज वाले रेशों का उदाहरण जल्दी से बताओ बीज वाले रेशों का उदाहरण फटाफट से बताओ कौन सा होता है सीड फाइबर्स जल्दी से इसको देख के कुछ समझ में आ रहा हो तो जल्दी से बताओ क्या होता है आ, आ नहीं रहा है जल्दी से बताइए क्या होता है सीड फाइबर्स आंसर नहीं आ रहा है बच्चों सीड फाइबर्स टेक्सटाइल हमने टेक्सटाइल पढ़ा है ना तो टेक्सटाइल में बीज वाले रेशों का उदाहरण दीजिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ सीड फाइबर्स फटाक से बताओ बच्चों कॉटन और कापोक आंसर आना शुरू हो गया है वंदना ने लिखा है सॉरी बापी ने लिखा है कॉटन शीनू राजपूत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शीनू ने लिखा लिखा है कॉटन और कापोक वंदना कॉटन एंड कापोक चरण स्पर्श हाँ गुरु आ, बापी ने लिखा है कापोक और चांदी ने लिखा है कॉटन एंड कापोक तो इसका मतलब है कॉटन एंड कापोक एकदम सही आंसर हैं और यहां पर मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि अब बचे हुए जितने भी बच्चे हमारे साथ जो लाइव जुड़े हुए हैं सबके सब इस बार यूजीसी नेट जे या स्टेट लेवल को क्लियर करने वाले हैं यह आपका मेरे लिए एक गुरुदक्षिणा होगी ठीक है और जब मैं ये बोल देती हूं तो आई मीन इट तो कॉटन एंड कापोक इज द राइट आंसर एग्जाम्पल ऑफ सीड फाइबर्स आपका कॉटन होता है और कापोक होता है चलिए फटाक से दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है सॉरी दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है मक्खन में जो एडिटिव यूज होते हैं लता हमारे साथ जुड़ गई लता वी आर स्टार्टिंग हैविंग स्टार्टिंग टू हैव रिजल्ट्स नाउ एंड बच्चों के जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं अलग अलग स्टेट लेवल एग्जाम्स जो जिन्होंने क्लियर किए हैं उनके रिजल्ट आना शुरू कर गए हैं एंड ओएसन अकेडमी का नाम बढ़ता चला जा रहा है तो फटाक से जल्दी से बताओ इसका आंसर देना शुरू करो अडेटिव जो कि मक्खन में यूज किए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब कोई भी चीज़ जिसको ऐड किया जाता है किसी भी चीज में या तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसमें एक आ, रंग बढ़ाने के लिए एक रंग बढ़ाने के लिए ब्यूटरिक एसिड वंदना ब्यूटरिक एसिड नहीं ऐड किया जाता है ब्यूटरिक एसिड नहीं ऐड किया जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन अगर अगर आपके पास इस समय मक्खन रखा होगा नहीं स्टार्च स्टार्च नहीं है लता स्टार्च हम कहेंगे अडल्टरेंट हम अडल्टरेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर एडिटिव की बात कर रहे हैं एडिटिव मतलब क्या हुआ एड किया जा रहा है और ये परमिसेबल है मतलब कि एफ एस एस ए आई ने या एफ डी ए ने इसको अप्रूव किया हुआ है तो यहां पर एडिटिव मैं बता देती हूं एक एडिटिव होता है अनाटो अनाटो पता है क्या होता है आप अगर आपके पास अगर मक्खन होगा तो सोडियम बेंजोएट भी बिल्कुल सही है संदीप यू आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट सोडियम बेंजोएट इज एडेड एज अ प्रेजरवेटिव यहां पर जो मैंने आंसर दिया है वो अनाटो है अनाटो इज द कलर अगर आपने मक्खन का रंग देखा होगा तो येलोइश कलर होता है राइट पीले रंग का होता है मक्खन तो यहां पर जो अनाटो होता है दैट इज द कलर जो कि उसमें ऐड किया जाता है मैंने इसलिए ये जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा था ताकि आपको ये नाम पता चल जाए तो अनाटो करके मैच द फॉलोइंग में ज्यादातर आता है और अनाटो इज कलरेंट जिसको ऐड किया जाता है ठीक है नीलम जुड़ गई है नीलम गुड आफ्टरनून बेटा आई होप यूर एपसोलूटली फाइन जितने भी बच्चे अभी पीछे चल रहे हैं वो लाइव का बटन यहां पर दिख रहा है ना आपको लाइव का बटन आपके आ, उसके नीचे आ, जो YouTube की जो स्क्रीन होगी उसके नीचे लाइव का बटन दिख रहा होगा उस पर दबा दीजिएगा तो आप लाइव आ जाओगे ठीक है हाँ और ये इस तरह से दिखता है ये जो लाइव का बटन है ना ये इस तरह से दिख रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं टारगेट ग्रुप नेशनल लिटरेसी मिशन का कौन सा होता है कौन सी उम्र से कौन सी उम्र का होता है हाउ मेनी ईयर्स कौन से ईयर का होता है और अभी अभी मैंने अपने पेड क्लासेस में बच्चों को यही पढ़ाया है कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले आ... लता का आंसर आना शुरू हो गया है नीलम ने आंसर दे दिया है बाकी के बच्चे कहाँ हैं बापी कहाँ है वंदना कहाँ है चांदनी कहाँ है नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए जो टारगेट ग्रुप होता है वो कितने से कितने कितने से कितने ईयर्स का होता है कितने से कितने साल का होता है आ, हाउ यू मैम कल भी वेट किया आपका आपने बोला था मंडे मिलेंगे हाँ बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कैमरे में इस वजह से नहीं आ पा रहे थे तो कोई बात नहीं आई विल बी कमिंग डोंट वरी कितने से कितने साल का होता है इट इज़ आंसर संदीप ने लिखा है फिफ्टीन टू थर्टी फाइव लता ने सबसे पहले आंसर दिया था फिफ्टीन टू थर्टी फाइव उसके बाद बाकी के बच्चों ने भी आंसर दिया नीलम ने भी यही आंसर दिया है फिफ्टीन टू थर्टी फाइव आई होप कॉपी पेस्ट नहीं किया हो संदीप ने फिफ्टीन टू थर्टी फाइव लिखा और चांदनी ने भी फिफ्टीन टू थर्टी फाइव लिखा तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर लता ने लिखा था तो फिफ्टीन टू थर्टी फाइव इज Absolutely the right answer. और ये नेशनल लिटरेसी मिशन छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है ये होता है बड़े लोगों के लिए ठीक है बड़े लोगों के लिए होता है तो पंद्रह से पैंतीस हमेशा याद रखना ये टारगेट ग्रुप होता है फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन बहुत बार आ चुका है एंड आई होप फिर से आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है आ, नहीं किया कॉपी पेस्ट ओके गुड नीलम नीलम तो अच्छी बच्ची है मुझे पता है वंदना भी अच्छी है किसी ने भी कॉपी पेस्ट नहीं किया चांदनी भी अच्छी है संदीप भी अच्छे हैं किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंड यू विल टू कीप जजिंग और सेल्फ आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए ठीक है तो लता थैंक्स फॉर द हार्ट और हाँ हार्ट हाँ, से मुझे याद आया कि जितने बच्चों ने भी लाइक like बटन नहीं दबाया है अभी तक गंदी बात नीचे जाके फटाक से लाइक बटन दबाओ और आप अगर अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो जिसके साथ आप आगे बढ़ के आगे चल के साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी करना चाहते हो तो उसके साथ भी शेयर कर दो हमारा ये चैनल सो so दैट ज्यादा लोग नो no, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना तो जब इंडिया पढ़ेगा तो पढ़ाने में कहीं ना कहीं आपका भी हाथ होगा और जब ये चीज फैलेगी तो दूर तलग जाएगी और कुछ सालों में हमारा इंडिया जो है ना वो लिटरेसी के दर जो होगा उसका बढ़ जाएगा राइट तो ओह हैज़ टू गो बिकॉज बापी इज वर्किंग इन हॉस्पिटल नो no वरीज बापी यू कैन कैरी ऑन लेटर ऑन और उसके बाद देख के आप देख सकते हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है तेल में जो योजक ऐड किया जाता है अब यहां पर बताओ मुझे तेल में क्या एडिटिव यूज किया जाता है तेल में क्या एडिटिव यूज किया जाता है जल्दी से बताओ फिर मैं एक हिंट दूंगी और अगर आपने सही बता दिया तो आपको समझ लो कि आपका नेट क्वालिफाई होने वाला है तेल में जो योजक ऐड किया जाता है बेटा लता अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिटिव, वी आर नॉट अबाउटिवी आरेंट अडल्टरेंट होता है आर्जीमोन ऑयल है ना लता और एडिटिव होता है एडिटिव होता है जो कि ऐड किया जाता है नहीं एक ओके okay. मैं इसका एक हिंट देती हूँ ठीक है एक इसका हिंट देती हूँ लता क्या हो गया है बेटा जो ऐड किया जाता है उसका मैं शॉर्ट फॉर्म देती हूं बी एच एच ऑयल में जो एडिटिव यूज किया जाता है उसको कहते हैं बी एच ए अब जल्दी से मुझे इस बी एच ए का फुल फॉर्म बता दो और गूगल कोई नहीं करेगा बी एच ए इज एन एडिटिव ये ऑयल में डाला जाता है उसको स्टेबल करने के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़े टाइम ज्यादा तक चले तेल तो जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं या जो मस्टर्ड ऑयल्स होते हैं जो हमें पैकेट में या डब्बों में मिलते हैं उसमें इसको डाला जाता है लेकिन जो पिसवा के घर पे जो दिया जाता है वो नहीं होगा नहीं करूंगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनासोल नहीं बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स गूगल किया संदीप में बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बीएचए एक बार आप लोग भी देख लो बीएचए का यही आ, फुल फॉर्म होता है बीएचए इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जिनको यूज किया जाता है एक बार देख लो आप लोग भी गूगल uh, पे देख लो ताकि आपको भी क्लियर हो जाए वंदना ब्यूटाइल हाइड्रो एसिड लता क्या लिखा है नहीं करूंगी ओनली वेटिंग ओनली वेटिंग फॉर वॉट हां लता लेट अस सी वॉट इज दिन बी एच ए जितने भी बच्चे हैं वो फटाक से लाइव वाले जो बटन है लाइव वाला जो बटन है यहां पर जो लाइव वाला बटन है उसको दबा दे और वो लाइव आ जाए ताकि जो पीछे से बच्चे आंसर दे रहे हैं वो आगे आ जाए ठीक है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आप नहीं मैंने यही गूगल किया कि अगर हम बी एच ए डालते हैं तो उसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी आने आता है लेकिन अगर हम एडिटिव एडिटिव इन ऑयल बीएचए लिखेंगे तो क्या आता है आपने देखा है इन ऑयल का फुल फॉर्म आता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आता है ठीक है तो चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये एक क्वेश्चन पूछा गया था uh, एक एग्जाम में और उस एग्जाम के हिसाब से ये आंसर है तो बी एच ए को ये याद कर लेना गूगल नहीं करूंगी मैम आपका वेट करूंगी कल कि आप ही बताएं। ओके थैंक यू लता थैंक यू सो मच ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाक से आ जाओ और, uh, की तो काफी सारी बात हो गई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के uh, के बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क एक एस एन एफ जब आप कभी दूध का पैकेट अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें एस एन एफ लिखा रहता है एस एन एफ का परसेंट कितना होता है अगर आपने फूड साइंस ठीक से पढ़ा है और अगर आपने दूध के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है टोन्ड मिल्क होता है स्किम्ड मिल्क होता है, फिर फुल फैट क्रीम या फुल क्रीम मिल्क होता है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सॉलिड नॉट फैट मतलब कि सॉलिड नॉट फैट का वसा प्रतिशत कितना होता है सॉलिड नॉट फैट ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क बेटा नॉट ऑफ टोन्ड मिल्क ठीक है स्टैंडर्ड मिल्क जो नॉर्मल मिल्क होता है स्टैंडर्ड मिल्क उसका एस एन एफ परसेंट कितना होता है लता 4.6 नीलम 4.6 और चांदनी ने लिखा है 8.5 परसेंट चांदनी ने लिखा है 8.5 8.5 परसेंट तो ये बता दू ये लता गलत है नीलम गलत है और चांदनी बिल्कुल सही है ठीक है सो चांदनी 8.5 करेक्ट आंसर आउट अगर आपको दिख रहा है तो एट पॉइंट तो करना कि क्या होता है is solid, not fat, याने जो, आ, आपका जो ये होता है दूध होता है उसमें फैट रहित फैट के अलावा जो सॉलिड होते हैं वो दूध के पैकेट में कितने होते हैं ठीक है ठीके? तो 8.5 परसेंट जो होता है वो सॉलिड नॉट फैट होता है मतलब वसा रहित यहाँ रहित हूं लिखना था मुझे वसा रहित प्रतिशत कितना होता है ठीक है हिंदी मेरी कमजोर है आपको पता है एस एन एफ ठीक है तो सॉलिड नॉट फैट 8.5 परसेंट जिसने गलत दिया है लिख लो बेटा एग्जाम बहुत निकट है लता हैव यू अप्लाइड

जो कि 4.6 होता है लता एक बार इसको देखना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कुकिंग विद न्यूट्रिशनस बेटा पे आ जाओ हम आगे बढ़ चुके हैं नीचे नीचे देखो विध का बटन दिया होगा लाइफ पे आ जाओ हम आगे बढ़ चुके हैं ठीक है थीके? तो फोर पॉइंट सिक्स जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है लता है, एक बार फिर से देखना हो सकता है कंफ्यूजन हो गया चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं ठीक है ये देखो अब यहां पर हम आ गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चन पे और हमने पढ़ाया था क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशनिंग uh, वंदना वंदना ने लिखा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है exactly एग्जैक्टली वंदना मुझे भी यही लगा नीलम बिल्कुल सही इसका मतलब मैंने सही बताया है मुझे सही याद है ना मिल्क का पनीर मेकिंग पीएच बिल्कुल सही बिल्कुल सही पलक एब्सोल्युटली राइट right. जिस पीएच पे दूध भटके पनीर बनना शुरू हो जाता है वो पीएच होता है 4.6 उसी को कहते हैं पॉइंट ठीक है इस क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या होता है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ संदीप लिख रहे हैं कि आ, मैं तो अगले साल दूंगा नेट मेरा अभी एमएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है बेटा आप इंटाइटल हो जाते हो वैसे नेट देने के लिए लेकिन अगर आप जून का देना चाहोगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप जून दे दो ठीक है और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे दो बच्चों का मतलब एक बच्चा तो हमारे साथ अभी लाइव है यहाँ पर वंदना जिसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और दूसरी हमारी काजल सिंह है जिसने एमपी सेट क्लियर किया है तो दो बच्चे और इतना आप देख रहे हो रिजल्ट देख लो कितने बच्चे हैं कुल मुश्किल से 25-30 बच्चे होंगे और 25-30 बच्चे में अगर दो बच्चे हमारे एकेडमी के हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये दो बच्चों ने तो हमें बताया है कि उन्होंने क्लियर किया है बहुत सारे बच्चे क्लियर भी कर देते हैं और बताते भी नहीं है पिछले बैचेस के होते हैं तो काजल एंड वंदना दोनों को बहुत बहुत बधाइया हम आपसे पर्सनली कनेक्ट करने वाले हैं और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि बाकी के बच्चे जो आज मुझे देख रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट करके और जिनको प्लान करना है कि हमें क्लियर करना है जिन्होंने ये सोच के आए हैं जो कफन बांध के आए हैं कि हमको निकलना है वही बच्चे हमको ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करें या व्हाट्सएप कर सकते या कॉल कर सकते हैं या वैसन एकेडमी का एप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पेड बैचेस जो चलते हैं वो इंग्लिश में प्योर इंग्लिश बैच भी होता है विच इज

वंदना ने लिखा है बी एफ स्किनर और थैंक यू सो मच मैम ओके मोस्ट वेलकम वंदना तो यहां पर ऑप्शंस <coughs> अगर स्किनरेनियन के आएंगे चांदनी तो फिर तुम स्किनरेनियन लिख सकते हो लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शंस थे क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा क्या था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एब्सोल्युटली राइट तो यहां पर आंसर क्या है इंस्ट्रू मेंटल कंडीशनिंग और कंडीशनिंग और यहाँ पर संदीप uh, ने सबसे पहले इसका आंसर दिया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कंडीशनिंग एंड संदीप कॉन्ग्रेचुलेशन यू द फर्स्ट वन एंड आई गेस यू हैव अ लॉट ऑफ आइडिया तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जून का पेपर जरूर से देना ठीक है जो भी आपका जहाँ पर भी आपका जो भी uh, गड़बड़ होगा या हल्का कम होगा पढ़ाई लिखाई वो मैं आपको हेल्प कर दूंगी सोटी so uh, <laughs> कैटेगरी की और मैंने यू आर में अपना नाम दर्ज किया है oh, wow! और आपका अनरिजर्व में रिजल्ट आया वंदना या आपका रिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट आया है <laughs> मुझे इस बात को भी बताने में को बहुत हर्ष और उल्लास लग रहा है कि वंदना जैसे कि आप सबके सामने अभी अभी व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप कह रही हूं अभी आपके चैट पे जो है वो लिख रही है कि शी इज फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी और उसने अनरिजर्व में अपना नाम दर्ज किया था फॉर the mp set examination i hope i am right vandana because vandana is right here to guide all of us and vandana ka unreserved mein hua hai to congratulations vandana matlab aapko to kya batau main you deserve a treat from my side aur main aapko yahi bolungi ki kabhi bhi aap personally aake humse milo hum yahan जहाँ पर हम हैं हम आपसे मिलना चाहेंगे और हम आपको treat देना चाहेंगे बेटा because इससे बड़ा कोई कोई भी आशीर्वाद इससे बड़ा कोई भी ब्लेसिंग इससे बड़ा कोई भी गुरुदक्षिणा नहीं हो सकती है ठीक है तो वंदना दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन और एक ही नहीं ऐसे बहुत सारी वंदना ऐसी बहुत सारी काजल हमको मिलती रहेंगी हमारे इस सफर में क्योंकि हमारा सफर तो अब शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके हम पूरे पूरे इंडिया में अपना नाम करने वाले हैं क्योंकि हमारे बच्चे हमारा नाम करेंगे राइट right? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा वंदना मुझसे कनेक्ट जरूर करना या क्लास के बाद हम आपको फोन करके कनेक्ट करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इक्विपमेंट फॉर कीपिंग फूड वार्म अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े केटर uh, वगैरह होते हैं वो एक बड़ा सा एक इक्विपमेंट रखते हैं जिसमें वो खाने को गर्म रखते हैं खाना पकाने के बाद उसमें रख देते हैं और कुछ इस तरह का होता है उसमें नीचे जो होता है पानी होता है ठीक है नीचे जो होता है वो पानी होता है और ये एक प्लग लगा रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और उसके ऊपर जो है ऐसे करके खांचे बने रहते हैं जिसमें खाने को रखा जाता है और ढका रहता है ये ताकि ये खाना जो है गर्म रहे इसको क्या कहा जाता है कोई बता सकता है आंसर आने शुरू हो गए हैं पलक सोनी का आंसर आ गया है अब पलक सोनी ने क्या लिखा है सर बेन मैरी लिखा है पलक सोनी ने बेन बेन मैरी लिखा है एनीबडी एल्स <coughs> जिसको लगता है बेन मैरी सही आंसर है नहीं पता किसी को बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंगवार प्रीति गंगवार प्रीति गंगवार हमारे साथ जुड़ी हुई है बेन मैरी प्रीति ने भी लिखा है और नीलम ने भी बेन मैरी लिखा है और मैं बताऊं कि बेन मैरी इज द राइट आंसर और सबसे पहले ये आंसर पलक ने दिया था तो पलक कॉन्ग्रेचुलेश आपका आंसर बिल्कुल सही है यहां पर है ना पलक नहीं यहां पर है पलक तो पलक का आंसर बहुत सही है पलक प्रीति नीलम इन सबका आंसर नहीं ये तो प्रीति है तो आप सबका आंसर बिल्कुल सही है बेन मैरी इसको जो होता है बेन मैरी कहते हैं और ये बल, बड़ी बड़ी केटरिंग इंडस्ट्रीज में ये पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर एट हम्म ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन तकरीबन चार से पांच बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन है हाँ वंदना बेन मैरी होता है बिल्कुल आगे आ जाओ लाइफ पे आ जाओ तो ये क्वेश्चन है कि रेशम के धागों में जो गोंद होता है जो बॉम्बिक्स मैरी करके एक जो कीड़ा होता है जो कि रेशम के कल्टीवेशन में यूज किया जाता है आई एम सॉरी तो उसमें जो गम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है आंसर्स आना शुरू हो गया है सीनू अच्छा आने okay, so, न, बार -बार, आंसर शुरू हो गए ओके सो चांदनी ने दिया है कि लता ने दिया है आई गेस चांदनी ने इसका सबसे पहला आंसर दिया है आंसर लिख देती हूँ मैंिसन इज द राइट आंसर और सबसे पहला इसका आंसर शायद चांदनी ने दिया है ना चांदनी के ऊपर <coughs> ओ oh, संदीप चावला ने दिया है ओके okay. ठीक है तो सबसे पहले इसका आंसर जो है संदीप संदीप चावला ने दिया है एंड संदीप हाँ फर्स्ट वाज संदीप एंड सेकंड वाज चांदनी सो बिल्कुल सही आंसर है हाँ लता थैंक यू फॉर टेलिंग मी संदीप कॉन्ग्रेचुलेन संदीप यू आर द फर्स्ट

फटाक से हमारे साथ आ जाओ जल्दी से बताओ स्पैंडेक्स का दूसरा नाम क्या होता है यहां से हम देखना शुरू करेंगे किस बच्चे ने पहला आंसर दिया है रेजिन नहीं बेटा किस नाम से बेचा जाता है संदीप ओके okay. तो so, आप बहुत मॉडस्ट हो रहे हैं आप तो आई एम नॉट स्टडीिंग फॉर नेट जो बीएससी में स्टडी की थी वही आंसर दे रहा हूँ दैट इज रियली कूल संदीप तो अब आप समझ लो कि जो आपका बीएससी और एमएससी का जो जिस्ट होता है ना वही नेट के एग्जाम में आता है ठीक है आंसर्स आने शुरू हो गए चांदनी ने सबसे पहले लाइकरा बोला है चांदनी ने सबसे पहले लाइकरा बोला है एंड लता ने भी लाइक्रा बोल दिया है चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लाइक्रा इज द राइट आंसर लाइक्रा इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर इलास्टिक फाइबर या इलास्टोमेरिक फाइबर्स जो होते हैं जो बनियान होती है ना इलास्टिक <coughs> होती है रबरी होती है उस फाइबर को हम आ, किस नाम से जानते हैं लाइक्रा से तो चांदनी लता ज्योत्सना ओके सो वी हैव बोबड़े जो हमारे साथ जुड़ गई है एंड यस लाइकरा के अलावा इलास्टेन भी होता है बिल्कुल सही लता नीलम ने भी लिखा है एंड आयशा ल्यूक्रेटिव होजरी की बात नहीं हो रही एग्जाम्पल पूछा गया था को क्या बोला जाता है थैंक यू सो मच तो उसको क्या बोला जाता है चलो दसवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब ये क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ थैंक यू चांदनी मैंने पे क्लास में शायद ये क्वेश्चन का बहुत बार आंसर दिया होगा जो कि चांदनी बता रही है और मैं इतनी बार कोई चीज रटा देती हूँ मुझे लगता है लोगों को रट जाती होगी कुछ दिनों में चांदनी को ना एकदम याद आएगा जब एग्जाम देगी तो मेरी मेरी आवाजें याद आएंगी हॉन्ट करेंगी है ना ज्योत्सना <coughs> ज्योत्सना यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं हाय जोत्सना आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन चलो ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं वाइल्ड सिल्क इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड सिल्क को किस नाम से भी जाना जाता है वाइल्ड सिल्क को किस नाम से जाना जाता इसका जवाब जिसने दे डाला उसका नेट झिंगा लाला ठीक है जल्दी से बताओ वाइल्ड सिल्क को किस नाम से भी जाना जाता है आंसर आना शुरू हो गया है और एनीबडी एल्स जिसको लगता है कि लता और चांदनी ने सही आंसर दिया है सबसे पहले लता ने दिया है शीनू तुषार कपूर की बात नहीं हो रही यहाँ पर विजय लक्ष्मी हेलो मैम गुड आफ्टरनून व्हाट्स द टाइम ऑफ लाइव सेशन प्लीज बताइए विजय लक्ष्मी बेसिकली बेटा व्हाट हैपेंस इज द टाइम एम लिट वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड विद ऑल माई स्टूडेंट्स जो कि मेरे पेड बैच में होते हैं तो जहाँ पर भी जैसे पर भी मुझे टाइम मिलता है हम लाइव आने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कर सकते हो आप इसके जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है उसमें जाके आप लाइव हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को ताकि जब भी लाइव का नोटिफिकेशन आए तो आपकी लाइव का आपको एक मैसेज पहुंच जाए ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे आप हमारे सैम्पल क्लासेस भी देख सकते हो और आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन वॉट एवर दी एग्जामिनेशन भी ठीक है और वीडियो क्लासेस वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो और हमारे साथ काफ़ी बच्चे आज जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैंने बताया भी और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं ठीक है तो चलो विल नॉट वेस्ट टाइम एंड सबसे पहले मेरे ख्याल से लता ने आंसर दिया था और सब बच्चों ने मतलब ये क्या बात है सब बच्चे आज बहुत बढ़िया से तैयारी करके आए सब एकजुट होके एक ही आंसर बताते टसर इज दी राइट आंसर सो प्रीति पलक शीनू नीलम वंदना ज्योत्सना संदीप लता एंड चांदनी एकदम सही आंसर बताया है हंड्रेड दैट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए क्वेश्चन नंबर इलेवन नट हस्क फाइबर बीज के भूसी क्या रेशा इसको एग्जाम्पल बताइए एग्जाम्पल ऑफ नट हस्क फाइबर या बीज के भूसे का रेशा जल्दी से बताओ थोड़ा मैंने डायवर्ट करने की मतलब थोड़ा सा आपको जो है घुमाया है इसमें ताकि आप कंफ्यूज हो लेकिन आंसर बहुत इजी है मैम ये क्लास डेली होती है प्लीज रिप्लाई प्रीति गंगवार ये क्लास डेली नहीं होती है बट हम कोशिश करेंगे हर ऑल्टरनेट डे पे आने की संदीप चावला अः सिल्क एरी सिल्क हाँ बोला जाता है बिल्कुल सही बोल रहे हो एरी सिल्क जो होता है वो आसाम में मिलता है राइट आ, बेटा ब्रांड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हाँ अच्छा आ, जो क्लास डेली क्लास की जो बात कर रहे हो वो हमारे पेड बैचेस के ऐप पे होती है तो अगर आपको डेली क्लासेस देखनी है तो आप ओ एस एन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिएगा तो वहां पर हम आपको कनेक्ट करके आपको डेली क्लासेस दे सकते हैं सीनू ने लिखा है ब्रांड विजयलक्ष्मी ने लिखा है कॉयर ज्योत्सना ने भी लिखा है कॉयर लता गुप्ता ने भी लिखा है कॉयर होम साइंस विद अम्बी ने हेलो मैम लिखा है हेलो होम साइंस विद अम्बी आई होप अम्बी नाम हो आपका राइट नीलम सोलंकी कोकोनट कॉयर गंगवार प्रीति जूट इज द रॉन्ग आंसर सीनू क्वायर एग्जैक्टली सो नट हस्क फाइबर यानी कि बीज के रेशे का फाइबर क्या हुआ जो मूंज होता है जो नारियल का जो ऊपर की जो खोपड़ी होती है ना उसके ऊपर जो रेशा होता है उसको हम क्वर बोलते हैं और जिसने जिसने क्वायर लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है तो जिसने भी सबसे पहले लिखा था आई डोंट इवन रिमेम्बर किसने सबसे पहले लिखा था बिल्कुल सही लिखा है इतना लंबा चार्ट uh, लिस्ट चली गई है कि हमको दिखी नहीं रहा है कि किसने सबसे पहले लिखा था ठीक है तो कंग्रेचुलेशन जिसने भी पहले लिखा था आर द राइट पर्सन किसने लिखा था सर और ऊपर uh, विजय लक्ष्मी सिंह विजय लक्ष्मी एकदम सही आंसर था क्योंकि यहां पर देखो विजय लक्ष्मी सिंह ने सबसे पहले क्वायर लिखा था तो हैश टैग विजयलक्ष्मी गुड जॉब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीफ फाइबर चलो इतना इजी इजी मैं पूछ रही हूँ लीफ फाइबर्स कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल ऑफ पत्ती के रेशे का उदाहरण बताओ एग्जाम्पल ऑफ लीफ फाइबर लीफ फाइबर का एग्जाम्पल बताओ दो तीन होते हैं ना लीफ वाले फाइबर्स के चलो तीन है तीन बता दो एक दो तीन जिसने तीनों बताया उसको हंड्रेड मार्क्स पीना बिल्कुल सही पहला आंसर आ गया है चलो एक आंसर मैंने लिख दिया पीना चांदी ने पीना लिखा है सबसे पहले नहीं 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 सबसे पहले लता ने पीना लिखा है वीको यूनिवर्स ने पीना लिखा है चांदी शर्मा ने पीना लिखा है संदीप ने पीना एंड सीसल लिखा है सो संदीप और लता दोनों टॉप कर रहे हैं उसके बाद प्रीति गांगनवार ने सीसल लिखा है ज्योत्ना यादव ने पीनल और सीसा लिखा है तीसरा नाम बताओ एंड तीसरा नाम भी आ गया है लता ने दिया है तीसरा नाम है अबाका एप्सलूटली राइट right. ये जो तीनों होते हैं ये लीफ फाइबर्स होते हैं, तो ये सारे बच्चे मृदला मृदला भी हमारे साथ जुड़ गई है प्रीति मृदला आयशा ये सब हमारे अपने बच्चे हैं तो आ, बिल्कुल सही एकदम सही जवाब है लीफ फाइबर पीनल पीना सीसल और अबाका होता है नेक्स्ट <clears> क्वेश्चन <throat> पे आज हाँ जी से मतलब हाँ मेरे बच्चे मतलब मेरे अपने बच्चे नहीं हैं मेरे अपने सिर्फ दो बच्चे और छोटे छोटे हैं यहाँ पर मैं अपने बच्चों के मतलब बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पेड बैचेस वाले बच्चे हैं यानी कि यहाँ पर आ, आपको मृदुला दिख रही है वंदना दिख रही है चांदनी दिख रही है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैं तो नाम भी भूलती चली जा रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आ, हमारे पेड बैचेस जिन्होंने लिया हुआ है क्योंकि ये हमारी लाइव यूट्यूब क्लासेस हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं जो हमारी एक्चुअल क्लास चलती है वो हमारे ओ एस एकेडमी के क्लास प्लस ऐप पे चलती है जिसमें ये बच्चे हमारी पेड वर्जन्स लेते हैं कनेक्ट करते हैं वन टू वन हमारा इनसे वन टू वन कनेक्शन रहता है और हमारे साथ इंटरैक्ट करके और ये अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जैसे कि दो बच्चे वंदना और काजल जिन्होंने अभी अभी कल ही एम पी सेट क्वालिफाई किया है ओएसएन एस एन अकेडमी के साथ मिल के मैम यूट्यूब पर डेली कराइए जब तक एग्ज़ाम ना होनेट का कोशिश रहेगी प्रीति कोशिश रहेगी डेली की तो नहीं कह सकते वादा नहीं क्योंकि हमारे पेट बैचेस का जो लाइव क्लास होता है उसमें भी बहुत समय लगता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम हर दूसरे दिन करवाएं लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है और अच्छी पढ़ाई करनी है प्रीति तो आप हमारे पेट बैचेस ज्वाइन कर सकते हो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से तेरवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाइबर दो होते हैं खनिज रेशों के उदाहरण अब मतलब मैंने पूरी टेक्सटाइल रिवाइज करवा दी आपके साथ एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाइबर्स दो होते हैं मिनरल फाइबर्स के दो एग्जाम्पल्स लाइक बटन छब्बीस बच्चे देख रहे हैं और सिर्फ चौदह लाइक्स है बहुत ना इंसाफी है प्लीज लाइक दबाएं तब आगे बढ़े दो फाइबर्स और यहाँ पर एज बि तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया अरे वाह लेकिन यहां पर दो आंसर्स मिनरल फाइबर्स पहले जाके सब लाइक दबाओ फिर मैं बताऊंगी दो आंसर्स कौन से होंगे मिनरल फाइबर्स के गुरु दक्षिणा अगर देनी हो और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक दबा के रहिए तब जब तक ये लाइक्स बढ़ेंगे नहीं पंद्रह हो गए जब तक ये छब्बीस नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाली मजाक कर रही हूँ चलो गोल्ड सिल्वर स्टील लता फाइबर्स लता देखो तुम सही बोल रहे हो ठीक है गोल्ड सिल्वर स्टील को हम यूज करते हैं कहाँ यूज, यूज करते हैं कढ़ाई पे यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं खनिज पदार्थों से मिनरल्स से ठीक है अच्छा गोल्ड सिल्वर स्टील तो आपका मेटल हो जाएगा ना बेटा ये तो मेटलिक फाइबर्स हो जाएंगे हम मिनरल फाइबर्स की बात कर रहे हैं मिनरल फाइबर्स की बात कर रहे हैं और मिनरल फाइबर्स में सिर्फ दो आते हैं एज बिजस एंड ग्लास आर दी मिनरल फाइबर्स ठीक है और एसबिस्टिस के बारे में मैंने क्या बताया था किस तरह से यूज किया जाता है लाइफ पे आ जाओ फटाफट जितने बच्चे पुराने पीछे के हो हाँ कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, वो जल्दी से लाइफ पे आ जाए <coughs> Asbestos और ग्लास नीलम लता सब पीछे चल रहे हो जल्दी से आगे आ, आ जाओ दो फाइबर्स है asbestos glass. और ग्लास और एसबिस्टिस के बारे में मैंने क्या बताया था

एजबिस्टिस जो एजिस्टिस का नाम ही होता है यस लता एब्सोलूटली राइट का नाम ही होता है जिसको बुझाया ना जा सके इन एक्सटिंग्विशेबल ठीक है और लता ने एकदम सही कहा है फायर प्रूफ या फ्लेम रिटार्डेंट, फ्लेम रिटार्डेंट। रिटार्डेंट फ्लेम को जो रोकता है आग को फैलने से रोकता है इसको फायर प्रूफ फैब्रिक कहा जाता है और ये कहाँ यूज होता है जो लोग जो कि आग के जोखिम का काम करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जाती है जिसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जाते हैं और वो जो कपड़ा पहनते हैं वो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है एंड एसिड रेजिस्टेंट भी होता है एकदम सही बोला है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन भी हम पूछ चुके हैं एंड आई होप सब इसका आंसर सही बताएंगे कौन सी ऐसी चीज है जिन बच्चों को जिन बच्चों को भी एग्जाम क्वालिफाई करना है जो तेरह दिसंबर का जो एग्जाम है या फिर जून का जो एग्जाम है जिन बच्चों को क्वालिफाई करना है और जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज होने वाली हैं और क्रैश कोर्सेज होंगी जिसमें आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा आप लिखते भी चलोगे तो आपका काफी कुछ तैयारी हो जाएगी और आंसर्स आ गए हैं बायोटिन कंटेंट कच्चे अंडे में क्यों नहीं मिल पाता है यहाँ देखो आंसर आना शुरू हो गया सबसे पहले संदीप चावला <coughs> क्या हो भाई क्या खाते हो संदीप चावला ने सबसे पहले आंसर दिया लगता है कौन सा नेटवर्क चलता है आपका सबसे खटखट खटखट -खट कट, 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 हाथ सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में संदीप चावला इज द वन हु रोड द राइट आंसर एंड इट इज एविडन एविडन क्या होता है बेसिकली अंडे में एक कंपोनेंट होता है जो कि बायोटिन के साथ जोड़ लेता है जितना भी आप बायोटिन खाएंगे बायोटिन आपको पता है ना क्या होता है विटामिन होता है जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है ज्यादातर ठीक है और बायोटिन जितना भी आप खाएंगे वो अगर आपने कच्चा अंडा खा लिया है ठीक है कच्चा अंडा अगर आपने खा लिया है थीके? कच्चा अंडा अगर आपने खा लिया है तो ये बायोटिन जो होता है उसको एविडिन पकड़ के बाहर निकाल देता है समझे तो कच्चे अंडे इसीलिए नहीं खाना होता है लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में थी एज अ डायटिशन तो बर्नस के जो पेशेंट्स होते थे आपने देखा होगा कि वो अक्सर उनको कच्चे अंडे इसलिए खिलाए जाते हैं क्योंकि अंडों का प्रोटीन वैल्यू बहुत अच्छी होती है और उनको दूध के साथ मिक्स करके और उनको जो एंटरल न्यूट्रिशन होता था उसमें दे दिया जाता था तो बिकॉज बर्ंडस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है तो होता क्या था उनमें बायोटिन की डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एविडन बिल्कुल सही लता नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन की बात हम यहाँ बता रहे हैं तो अब धीरे धीरे करके ये चेंजेस आए हैं कि अंडे को कच्चा ना करके उसको आ, पका के दूध में पका के और तब पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसमें बायोटिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए आर स्मॉल बिट्स एंड जो मैं अपने एक्सपीरियंस का अपनी पढ़ाई का आपको बताती रहती हूँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते ये भी कैंडलिंग एक टेक्निक है जो किस चीज की क्वालिटी को असेस करती है कैंडलिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किस चीज की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है आंसर आना शुरू हो गए हैं कैंडलिंग जो टेक्निक है वो किस चीज की गुणवत्ता के आकलन के लिए किया जाता है <coughs> आंसर आने शुरू हो गए हैं अर्पिता पांडे हमारे साथ जुड़ गई है अच्छा वंदना लता <coughs> लता ने सबसे पहले आंसर दिया है लता ने एग बोला है मृदला ने भी एग बोला है नीलम ने एग बोला है लता ने तो अंडा बना भी दिया है अर्पिता ने एग बोला है प्रीति गंगवार ने एग बोला है चांदी ने भी एग क्वालिटी बोला है एंड एग इज राइट आंसर क्या मैं बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आज या आपको जवाब देने में मजा आ रहा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है चलो let's take all three of them. Easy questions भी है, आपको अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में और आंसर बिल्कुल सही है तो कैंडलिंग एक टेक्निक होती है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जो कैंडलिंग की टेक्निक क्या होती है अंडे को एक सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखा जाता है और देखा जाता है कि उसमें कोई भी ब्लड का कोई थ्रेड या टिश्यू तो नहीं आ गया या ऐसा तो नहीं कि वो फर्टिलाइज्ड एग था अब पूछा जाता है ना कि अंडा वेज है या नॉन वेजिटेरियन है इसके पीछे भी बहुत एक बड़ी कहानी होती है और किसी दिन मैं वो कहानी आपके सामने लेकर आऊंगी कि अंडा फर्टिलाइज्ड होता है कि नॉन फर्टिलाइज्ड होता है और कई बार जब फर्टिलाइज हो जाता है एग तो वो शुरू हो जाता है एम्ब्रियो में डेवलप होना और जैसे ही वो उसमें मीट का पार्टिकल आना शुरू होता है तो वो खाने लायक नहीं रह जाता है तो यही कैंडलिंग करके देखा जाता है ठीक है फट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देर नहीं करेंगे अच्छा मृदुला को इजी लग रहा है क्वेश्चन आ जाओ मृदुला आ जाओ मैदान में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने इंटेलिजेंस नॉलेज एंड हॉबीज आर डैश रिसोर्सेस बुद्धिमता ज्ञान संबंधी शौक कैसे संसाधन होता है किस तरह के संसाधन होते हैं किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं आंसर आने शुरू हो गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले लता गुप्ता ने आंसर दिया है और हाँ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले लता गुप्ता ने आंसर दिया है और लता ने दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज सर एक बार दिखा दीजिएगा कितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं और कितनी लाइक्स हैं ताकि हम फिर से इनको डांट के लाइक्स मंगवा सके <coughs> नीलम ने ह्यूमन लिखा है लता ने ह्यूमन लिखा है अर्पिता ने ह्यूमन लिखा है संदीप ने ह्यूमन लिखा है प्रीति ने भी ह्यूमन लिखा है ज्योत रंधावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छा हमें पता ही नहीं था ओके सो ज्योत रंधावा हाय आई होप आर एब्सोल्युटली फाइन मृदुला ने ह्यूमन लिखा हुआ है कितने बच्चे हैं ओके लाइक्स बढ़िया चलो ठीक है तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा बेटा तो इसको जल्दी से खत्म करके मुझे बताओ ऐसा राइट हो जितना चाहे उतना लाइक कर सके एग्जैक्टली जितने भी लाइक कर सकते हैं लोग वो लाइक करें जितने भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो भी लाइक करें और शेयर करना ना भूले ताकि आगे चल के आपको कभी भी कुछ दिक्कत होगी तो आप वापस से आके और ये देख सकते हो एंड हमारा होम साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको हमारे लाइव नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी हम लाइव होंगे और हमारे बच्चों के सिलेक्शन भी वैसे एकेडमी के बच्चों के सिलेक्शन भी वहीं दिखते रहेंगे असिस्टेंट <coughs> प्रोफेसर की क्लास चलती है शशिकला किसी भी तरह की क्वेरी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर ओएसएन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें ठीक है एंड यस इट वाज ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इज द राइट आंसर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द राइट आंसर्स इससे मेरा मॉरल बहुत ऊपर चला जाता है हाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सर uh, क्या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप यहाँ पर अगर पेस्ट कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर लेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और बच्चे आपस में कनेक्ट करके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बट बहुत क्लीन रहता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं तो अगर आप आ, पढ़ाई केंद्रित हो अगर आप पढ़ाई के लिए आ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तभी ज्वाइन करना यू मेक एवरी सो इजी मैम थैंक है थैंक यू सो मच ज्योत्सना थैंक यू सो मच लता एंड नीलम ये ग्रुप लिंक अभी अभी किया गया है। थैंक यू सो मच राधा फॉर शेयरिंग द ग्रुप लिंक तो ये ग्रुप लिंक जो शेयर हुआ है फटाक से इस पर आ जाओ कनेक्ट हो जाओ ताकि हम आपसे क्वेश्चन uh, भी पूछ सकें आप अपने आप से कंटैक्ट कर सको हमें और सारी लाइव क्लासेस के बारे में भी आपको ज्ञान मिलता रहे ठीक है अर्पिता श्रुति थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड टेक केयर गुड बाय विल बी लाइव अगेन वेरी सून टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड सी यू टेक केयर